अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े से होंगे। आज मैं आपको बहुत आला किस्म की क्रीम बताने जा रही हूँ जो कि है एवलाइन। आपने पहले भी देखी होगी ये क्रीम के बारे में गाइस, और इस ब्रांड के बारे में गाइस आप बहुत पहले से जानते होंगे। ये कोई नई चीज़ नहीं है, बहुत पुरानी चीज़ है, लेकिन आज मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहूँगी, ठीक है। जिन लोगों का फेस बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो जस्ट 25 डेज़ के अंदर अपनी जो है केयर करना चाहते हैं, अपना फेस सेट करना चाहते हैं, कलर फेयर करना चाहते हैं, यानी अगर फेस पर दाग हैं, निशानात हैं, फ्रैकल्स हैं, मिलाज़मा है, ये सारी चीज़ें हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत बेस्ट होने वाली है। आराम से तसल्ली से बैठ जाएं और कंप्लीट बात को समझें तो फिर आपको इंशाल्लाह जो है फ़ायदा होगा। सबसे पहले आप देख लें कि ये जो एवलाइन है ना गाइज, इसका कोई भी प्रोडक्ट आप यूज़ करें तो आपको उसका फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। जैसे कि ये आप देख सकते हैं डबल वाइट विटामिन सी के साथ है ये क्रीम, डबल वाइट विटामिन सी के साथ है, ठीक है। अब जो विटामिन सी है ना वो बहुत ज़रूरी होता है हमारी स्किन के लिए, और SPF 20 है इसके अंदर। डे एंड नाइट मेंशन है कि ये आप नाइट में भी यूज़ कर सकते हैं, डे में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये सारा ऊपर मेंशन है कि ये आपकी स्किन को एक तो मॉइस्चराइज़र रखेगा। आपकी स्किन का मॉइस्चराइज़र होना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताया हुआ है। तो स्किन अगर आपकी मॉइस्चराइज़र है तो उस बंदे को, जिसकी स्किन में मॉइस्चराइज़र कंप्लीट है, उस बंदे को ना तो फ्रैकल्स होंगी, ना ही एज स्पॉट होंगी, ठीक है, ना ही जो है एक्नी स्पॉट्स होंगे। यानी ये सारी चीज़ें उस बंदे को नहीं हो सकती जिसकी स्किन बैलेंस रहती है, उसका मॉइस्चराइज़र लेवल बैलेंस रहता है, ठीक है। तो अब इसको हम खोल के देख लेते हैं कुछ इस तरह से। ये खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम, ये हो गया जी इस तरह से। वाह, अच्छा आप देख सकते हैं इस तरह से इसकी पैकिंग है गाइस। अब करना क्या है मैं आपको सारा बताती हूँ डिटेल से, बस थोड़ा सा ना सब्र, सबर सबर बहुत अच्छी चीज़ है। सबर जो बंदा कर जाता है वो बहुत बड़ी 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 आजमाइशों से गुजर जाता है इजीली, ठीक है। आपको पता है गाइस, ये मैं आपको थोड़ा सा पहले टेक्सचर चेक करवा दूं, जैसा कि मैंने अभी खोली भी नहीं है क्योंकि मैंने पहले भी इसको यूज़ किया है, ये अब मैं मेरी ख़त्म हो गई थी तो मैं दोबारा से लेके आई हूँ, ठीक है। ये है वैनिशिंग क्रीम, ठीक है, वैनिशिंग क्रीम है। अच्छा ये जो है ना आपकी स्किन को हाइड्रेट रखेगी, यानी ये जिस तरह का इसका टेक्सचर है ना, ये आपकी स्किन को हाइड्रेट रखेगी। और दूसरी बात, ये मेरी पिछली वीडियो आप जाके देखें जो कि कोजिक एसिड के नाम से क्रीम है, क्रिज्मा के नाम से क्रीम है, उस क्रीम को कम्प्लीट जाने समझें किस तरह से उसको यूज़ करना है, किस तरह से लगाना है, ठीक है। उस क्रीम को नाइट में यूज़ करें और इस वाली क्रीम को एवलाइन, इस वाली क्रीम को डे में यूज़ करें। अगर आपको 25 डेज़ के अंदर रिज़ल्ट ना मिले तो आपने क्या करना है, चुप करके आके तसल्ली से बग़ैर कुछ बोले, बग़ैर कुछ जाने, आपने आराम से आके अनसब कर देना मुझे, ठीक है। मेरे चैनल से आपने मुझे छोड़ देना है, और बेशक गालियां भी दे सकते हैं, मसला नहीं है, ठीक है, तो वो भी हम सुन लेंगे। लेकिन मैं चैलेंज करती हूँ कि ये वाली जो क्रीम है आपने डे में यूज़ करनी है, और क्रिज्मा जो क्रीम है वो आपने नाइट में यूज़ करनी है। आपको 25 डेज़ के अंदर रिज़ल्ट मिलेगा, उसके जो जितने भी बेनिफिट्स हैं वो सारे मैंने उसमें बताए हैं, और उसको कैसे यूज़ करना है वो भी बताया है। साथ इसको हमने एज अ डे डे क्रीम, जैसे आप ऑफिस जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो आपने हल्की सी, जैसे हम फेयर एंड लवली लगाते हैं, इसी तरह इस क्रीम को लगाना है, ठीक है। तो फिर ना तो आपको कोई सनब्लॉक की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपको कोई फाउंडेशन की ज़रूरत पड़ेगी कि बहुत ज़्यादा फाउंडेशन लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, फिर आप अपनी स्किन को मेंटेन, क्योंकि ये जो फार्मूला आप यूज़ कर लेंगे तो इससे ये होगा कि आपकी स्किन स्किन बहुत ज़्यादा प्यारी हो जाएगी, आपको कोई भी चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आपको मतलब के रिज़ल्ट मिल जाए, फिर आपने यानी 2 दिन छोड़ के, 3 दिन छोड़ के, फिर इस तरह क्रीम को, नाइट वाली जो क्रीम है उसको यूज़ कर लेना, ठीक है। और ये वाली जो है ना, ये तो अपनी लाइफ में ले आए, लाइफ में अगर लेके आ सकते हैं तो, यानी जैसे आप फेयर लवली यूज़ करते हैं, हर घर में फेयर लवली होती है, इसी तरह मैं कहती हूँ कि उसकी जगह पे आप इसको यूज़ कर लें, ठीक है। फेयर लवली से ये होता है कि ना फेस पे पसीना बहुत ज़्यादा आता है, और बाज़ औक़ात तो कुछ गर्ल्स ऐसी होती हैं कि जो कंप्लेन कर रही होती हैं कि उसके साथ ना हमें दाने निकल आते हैं, वाकई ही ऐसे होता है।
वो किसी को सूट करती है किसी को नहीं करती, तो ये आप ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको सूट करेगी। और दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।